नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आजम खान पर पहले से ही 88 मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामपुर से अक्सर विवाद में घिरे रहने वाले आजम खान की, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोपों के साथ मुकदमे भी दर्ज हैं। एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते अब दोनों के खिलाफ ही धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत थाना सिविल लाइन थाने में रामपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आज थाना सिविल लाइन्स रामपुर में आजम खान, सांसद रामपुर के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, जो विधायक सोआटांडा है, उनके दो पैन कार्ड रखने और दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के मामले में सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन्होंने अपने दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल अलग अलग, जैसे स्टेट बैंक में अकाउंट खोलने और दूसरे पैन कार्ड का अपना जो कई एफिडेविट्स हैं और इनकम टैक्स के रिटर्न, उसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम खान को प्लानिंग करने के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होकर और जल्द गिरफ्तारी होगी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताओं में कुशीनगर का मैत्रेय प्रोजेक्ट को दी गई जमीन का उपयोग अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग करेगा। पर्यटन विभाग किसानों द्वारा ली गई 2 एकड़ जमीन पर पर्यटन को विकसित करने के लिहाज से कई परियोजनाएं बनाकर निर्माण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी पर्यटन विभाग की अपूर्ण योजनाओं से दूर ही रहे। पर्यटन मंत्री ने न तो अपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया और न ही उसके बारे में चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने मैत्रेय को जमीन दी थी, लेकिन सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने कई बार पत्राचार करके प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही, लेकिन मैत्रेय ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आएगा इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिल पाया, जिसके बाद सरकार ने इस जमीन को वापस ले लिया और अब सरकार इसका विकास करेगी कि योजनाएं पूरी हैं और जो योजनाएं अधूरी हैं उस पर सरकार गंभीर है और जल्द उन योजनाओं को पूरा कराया जाएगा। यह मैत्रेय परियोजना पर जब दृष्टि गई तो ये हुआ कि 2003 से वैसे पड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको कैसे जनोपयोगी बनाया जाए, पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, जन सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। जब विचार किया गया तो जिस संस्था ने, जिस ट्रस्ट ने इसको लिया था, उसे बार बार रिपीटेड पत्राचार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा भी, SDM के द्वारा भी, कि आप अभी तक काम क्यों नहीं प्रारंभ कर रहे हैं, काम प्रारंभ करिए, बार बार कहा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई काम प्रारंभ नहीं किया गया। फिर जब पूछा गया कि आपके पास क्या स्रोत हैं धन के, जिसके द्वारा आप इस काम को करेंगे, क्योंकि बड़ी परियोजना है, सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें लगने हैं, तो आखिर आप कहां से करने वाले हैं, इस पर भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उस परियोजना को फिर कैबिनेट द्वारा, उनके द्वारा, उनके साथ किए गए MOU को निरस्त किया गया। अब सरकार ने तय किया है पर्यटन विभाग के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाएगी, इसका विकास करेगी और जनोपयोगी बनाएगी और एक विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। बीते दिनों माँ बेटे पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, लेकिन बाद में पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि पीड़िता पक्ष ने अपने बेटे को जेल से रिहा करने के लिए साजिश को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पूरा मामला संभल का है, जहां बीते 9 महीने पहले मुजम्मिल की पत्नी की दहेज को लेकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, तो वहीं हत्या के मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद बीते कुछ महीने पहले पिता को रिहा कर दिया गया था, लेकिन बेटा अभी भी जेल में सजा काट रहा है। ससुराल पक्ष ने लड़की वालों से कई बार समझौते की कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम न मिलने पर लड़की ने परिवार पर दबाव बनाने के लिए माँ और बेटे ने नकली एसिड अटैक का नाटक रचा। ये जनपद संभल में नखासा थाना क्षेत्र में कल एक सूचना मिली 112 नंबर पे कि एक महिला पे और एक पुरुष पे कुछ लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया है। इसमें पूरा पुलिस बल वहाँ पे मौके पे गया और वहाँ पे जांच की। जब ये पूरा घटनाक्रम आया तो प्रथम दृष्टया ही ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसमें जब लाया गया, जिसने क्लेम किया था अबू सैमा करके ये लड़का है, इसको लाया गया। जब गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसका एक भाई
जेल में बंद है, उससे ये लोग मिलाई करा करके मुरादाबाद से वापस आ रहे थे शाम को। वहाँ पे ये उसका जो महिला है इसके साथ थी, उसने ये प्लान बनाया था, जो इसकी माँ लगेगी, माँ है, और उसके दोनों मिलकर के प्लान बनाए थे कि यहाँ पे चल करके एसिड अटैक कर लेंगे, अपने ऊपर एक केस बना लेंगे और उस तरीके से जो दूसरा पक्ष है उसको फंसा देंगे। इसमें पूरा प्रकरण ये था कि जो लड़का बंद है उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी, शादी में उसके 3 साल बाद उस लड़की की डेथ हो गई थी, इन लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी केस में पूरा परिवार डाउरी डेथ के केस में जेल में बंद था। 7 महीना पहले जो लड़का है उसके माता और पिता दोनों छूट गए थे, वहाँ से रिहा हो गए थे, और इन लोगों ने बार बार अपने जो दूसरा पक्ष संदीप पक्ष है उससे समझौते का कई बार 50 बार प्रयास किया, वो लोग समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ब्रूटल मर्डर हुआ था, जो उस तरीके से ये लोग समझौता नहीं करना चाहते थे। देश में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सीएम पर निशाना साधा, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि रेप की बढ़ती घटनाओं पर तुरंत रोक लगने के लिए एसपी के नेतृत्व में एक साइबर बनाई जानी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर संज्ञान ले सके। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस कार्यालय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा। यूपी के रामपुर में कैमरी डैम की बदहाल हालत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि कैमरी डैम की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिसके साथ ही उस डैम से दिन भर गाड़ी वाहन निकलते हैं, और ऐसे में कैमरी डैम पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में है। वहीं किसान नेता रईस अहमद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे। तो हमने इसकी शिकायत कई बार माननीय जिलाधिकारी से कर चुके हैं, और पिछली किसान बंधुओं की बैठक में भी जिला अधिकारी महोदय ने सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारी थे, मैं जेई से लेके और अभी अधिशासी अभियंता से लेके जितने भी नीचे कर्मचारी, सारों को डांट लगाई, फटकार लगाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी ये जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सारे लोग मतलब हवा, माननीय जिलाधिकारी की बात भी हवा में उड़ा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो डैम के अंदर इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं, किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।